हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। जिन सड़कों और हाईवेज़ का निर्माण देश को रफ्तार देने के लिए किया गया था, उन सड़कों पर आज देश का एक तबका लाचार सा नज़र आ रहा है। हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी का अपना दर्द, लेकिन इनके दर्द को कुर्सी वाले नहीं सुन रहे। आज मेहमानों के साथ की तरह इनके साथ व्यवहार हो रहा है, यूं कहें मेहमानों की तरह भी व्यवहार नहीं हो रहा है, और वो अपने अपने प्रदेश पैदल ही जाने के लिए मजबूर हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। इन मजदूरों को देखकर तो बस यही लगता है कि जीवन चलने का ही नाम है। एक ऐसे सफर पर जिसमें तकलीफें तो बहुत है लेकिन मंजिल नहीं। ये मजदूर जो कभी अपने गांव से आंखों में नौकरी के सपने लेकर बड़े शहरों में आए थे, उन्हें नहीं पता था कि जब ये सपना टूटेगा तो कितनी तकलीफ होगी। और इन तकलीफों पर नमक तो तब लगा जब सरकारों ने, प्रशासन ने इन मजदूरों को इनके हाल पर छोड़ दिया। लॉकडाउन फिर शुरू हो गया है, कुछ क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों के हालात जस के तस बने हुए हैं। मीलों का सफर तय किया, मीलों का सफर अभी और तय करना है। किसी के हाथों में मासूम बच्चे हैं, तो कोई अपनी दुनिया को कंधों पर रखकर अपने घर की तरफ पैदल ही जाने को मजबूर है। पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन एक आस अभी भी जिंदा है कि किसी तरह बस अपने घर पहुंच जाए और जिंदगी को एक बार फिर नए सिरे से शुरू करें। पलायन की ये तस्वीर देश भर से सामने आ रही है। हरियाणा भी इस तस्वीर से अछूता नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। किसी को बिहार जाना है तो कोई उत्तर प्रदेश, और किसी को उत्तर प्रदेश जाना है तो किसी को राजस्थान। साधन नहीं तो अपने पैरों पर ही निकल पड़े। अपने बच्चे को गोद में ही लेकर पैदल पलायन करने वाली मालती दो दिन का सफर तय करके बराड़ा पहुंची। अपने घर जाने के लिए मालती और उसके परिवार को अभी 4 दिन का वक्त और लगेगा। मालती का कहना है कि जिस फैक्ट्री में वो और उसके पति काम करते थे, लॉकडाउन के चलते वो फैक्ट्रियां बंद हो गई है। जो पैसा जमा था वो भी 2 महीनों में खत्म हो गया है। राशन नहीं मिला, अब उनके पास अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितने दिन हो गए आपको पैदल चलते? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। और आगे जहाँ आपको जाना है वहाँ जाने में कितने दिन लगेंगे आपको अगर आप पैदल जाओगे? 4 दिन। 4 दिन। 4 दिन। तो वहाँ क्या काम करते थे आप लोग? कंपनी में काम करते थे। तो क्या वजह रही आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? अरे वहाँ राशन जो ड्यूटी दिया था तो लाला जी ने सब लोग काट लिया। अच्छा जी, कुछ नहीं बचा था। अब जरा लीलावती के दर्द से भी आपको रूबरू करा देते हैं। कोरोना से बचाव के लिए चेहरा कपड़े से छिपा है, लेकिन देखकर साफ लग रहा है कि लीलावती उम्र दराज है। फिर भी वो 7 दिन का सफर पैदल तय करके बराड़ा तक पहुँची। बच्चे भी महिला के साथ, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। अभी 7 दिन का सफर तय किया है, अभी घर पहुंचने के लिए और भी सफर तय करना है। कहां से आए हो आप? लुधियाना से। कहां जाओगे? जाएंगे तो मैं हरदोई जिला। हरदोई जाओगे? एक हफ्ता हो गया निकले, क्या करें? कितने दिन से पैदल चल रहे हो आप? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से कोई साधन से जाने ही नहीं दे रहे, तब 15 बच्चे लेके भाग रहे, खाने को नहीं मिल रहा। ऐसे ही हालात दूसरे मजदूरों के भी हैं। फैक्ट्रियों के बंद होने से काम छिन गया,
फैक्ट्री मालिकों ने भी हाथ खड़े कर लिए। मकान मालिक को किराया नहीं गया तो उसने बिजली और पानी को ही बंद कर दिया। जिंदगी अंधेरे में चली गई तो इन्होंने अपने घरों का रुख कर लिया और हालात ऐसे कि जब घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। थक हार कर पैदल जाने को ही मजबूर हो गए। हम लोग ऑनलाइन कराए, रजिस्ट्रेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन कराए सर, 1 महीना 10 दिन हमारा हो गया। कितने दिन से इंतजार कर रहे हो आप? हम कम से कम कर रहे हैं 20 दिन से इंतजार, कोई मैसेज नहीं है। तो जब आपका नंबर नहीं आया तो आप पैदल चलते? हाँ सर, पैदल। कितने दिन से पैदल चल रहे हो आप? 5-6 दिन हो गए। जहाँ आपको जाना है कितने दिन लग जाएंगे? और सर कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे। तो आपको लगता है आप पैदल पहुँच पाओगे वहाँ? सर क्या करेंगे, मजबूरी में कोई साधन लेते चले जाएंगे या कैसे करके बॉर्डर क्रॉस करके जो है ना कुछ। अब तो इन मजदूरों को शासन और प्रशासन से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। तो सरकार से क्या मांग करते हो आप? अब हम अपने दिल से कुछ नहीं मांग कर सकते, जो उसके दिल में हो गरीब आदमी को दे दे, मैं सो पाल ले लूंगी। अब जरा एक तस्वीर और आपको दिखा देती है। ये तस्वीर है यमुनानगर की। खेतों में भागते ये लोग कोई और नहीं बल्कि प्रवासी मजदूर हैं। ये मजदूर शेल्टर होम्स में रह रहे थे। इन्हें उम्मीद थी कि इन मजदूरों को इनके घर भेजा जाएगा, लेकिन जब उम्मीदें टूटने लगी तो ये हाईवे पर आ गए। इन मजदूरों का कहना है कि यहां अब नहीं रहना, इन्हें बस अपने घर जाना है। नेशनल हाईवे के किनारे खेतों में भागते इन प्रवासी मजदूरों को जब उपमंडल अधिकारी और डीएसपी समझाने पहुंचे तो कुछ मजदूरों ने तो इनकी बात मानी, लेकिन कुछ मजदूर खेतों में जा चुके। अब जब इन मजदूरों ने शासन और प्रशासन से किसी भी मदद की आस छोड़ दी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मजदूर कितना मजबूर और आत्मनिर्भर हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।